मनीष तिवारी बोले, मैं नहीं छोड़ रहा कांग्रेस, अगर कोई धक्के मारकर बाहर निकाले तो अलग बात। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उनकी कांग्रेस छोड़ने की हाल ही में चल रही चर्चाओं पर बुधवार को विराम लगा दिया है। उनसे जब पूछा गया कि क्या वह भी बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर कोई उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगा तो वो दूसरी बात होगी। उन्होंने ये बातें समाचार एजेंसी ANI से कही है। बीजेपी में शामिल होने और कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलों पर मनीष तिवारी ने कहा, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में कोई किराएदार थोड़ी है, हम तो हिस्सेदार है, लेकिन अगर कोई धक्के मारकर बाहर निकालेगा तो वो दूसरी बात है। जहां तक हमारा सवाल है तो हमने 40 साल इस पार्टी को दिए हैं, हमारे परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है, हम विचारात्मक सियासत में विश्वास रखते हैं, पर अगर कोई धक्के मारकर बाहर निकालेगा तो वो दूसरी बात होगी। बता दें कि इससे पहले उन्होंने पंजाब में प्रियंका गांधी के बयान पर यह भी कहा था कि पगड़ी पंजाब की शान है, इसे लेकर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने पंजाब में बीजेपी और आप पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनको बता दीजिए कि सिर्फ स्टेज पर पगड़ी पहन लेने से कोई सरदार नहीं बन जाता है, उनको बता दीजिए कि कौन असली सरदार है, उनको बता दीजिए कि पंजाब पंजाबियों से ताल्लुक रखता है और वो ही इसे चलाएंगे।